I've always loved science. मुझे साइंस से हमेशा लगाव रहा है। मैं जब छोटी थी एक पेलियंटोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, जबकि बाकी सब बनना चाहते थे फायरमैन। मेरी माँ बताती है कि मैं मिट्टी में पड़ी हुई चिकन बोन्स को कैसे घर ले आया करती थी। मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना, चीजें कैसे काम करती हैं, ये जानना अच्छा लगता था। लोग जब केमिकल्स के बारे में सोचते हैं तो पानी या किसी फल को बनाने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स उनके जहन में नहीं होते। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पोलन एक से दूसरे फूल में जाता है और फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स में इन दोनों के गुण होते हैं, पर ये सब होता है रैंडम। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। डिजीज रेजिस्टेंस इसकी एक शानदार मिसाल है। आप इन पौधों को दूसरों के साथ ब्रीड करके ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके रैंडम कॉम्बिनेशंस आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, या फिर आप रोग रोकने के लिए जीन ढूंढें और पौधे में टेक्नोलॉजी की मदद से उसे पहुंचाएं। ये काम वाकई है बहुत कमाल का। लोग किसान इसलिए नहीं होते हैं ताकि वो वेंचर कैपिटल मार्केट के फील्ड जैसा पैसा कमा सकें। किसानों को अपने काम से प्यार है, उनको फूड प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। तो चाहे कॉर्न सिरप में डलने वाली मक्का की बात हो या फिर आप फार्मर्स मार्केट में किसी से मुलाकात करते हैं, ये दरअसल प्यार है और कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज का आज का वेबिनार। कैटलिस्ट ऑफ चेंज में आपका स्वागत है। स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी तीन भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन उपलब्ध है। आप ट्रांसलेशन बटन पर को दबाकर अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। ये सेमिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट के मंच पर उपलब्ध होगा। ये लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहेगा। स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आएगा जिससे आपको स्लाइडो तक पहुंच मिलेगी। इससे आप सवाल पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान। आज के वेबिनार में हैं डॉक्टर एनेस्टेशिया गॉडनर। आप सीनियर कल्चरल एडवाइजर हैं सिक्योरिटी कमीशन में। उनके प्रेजेंटेशन के बाद वो बात करेंगे सुधा नायर से, जो सिमिट की प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। अब मैं डॉक्टर ब्रह्म का स्वागत करना चाहूंगी, जो डायरेक्टर जनरल हैं सिमिट के, कि वो आधिकारिक रूप से आज का वेबिनार शुरू करें। डॉक्टर गिवर्ड, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इजाबेल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग दुनिया में जहां भी आप हैं। हमने एक इस वेबिनार सीरीज को लॉन्च करने का निर्णय किया ताकि अलग अलग विमेन लीडर्स को आपके सामने ला सकें। हम अपने जैसे साइंस इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की जो प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है उसे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे कम्युनिटीज में, हमारे देश में हम अलग अलग लोगों को लाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो अलग अलग क्षमताओं में काम करते हैं। एनेस्टेशिया बॉटनर वाकई एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज है। वो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं। सीनियर कल्चरल एडवाइजर हैं नेशनल सिक्योरिटी मिशन में आप काम करती हैं। उन्हें 20 साल का US मिलिट्री का अनुभव है। आप बायोटेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट से भी जुड़ी रही हैं। आपने प्लांट जेनेटिक्स में PhD की है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से, और आपने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में PhD की है। अपने प्रेजेंटेशन के बाद आप सुधा नायर से बात करेंगी, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आप कई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी रही हैं। एनेस्टेशिया ने कई अलग अलग नजरियों पर काम किया है। आज की ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है आप दोनों के बीच विमेन कैटल ऑफ चेंज में।
Anastasia, over to you. Good हेलो, morning, good afternoon, good evening. As you said, I'm गुड very happy मॉर्निंग, to be गुड here. आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा आपने कहा, शुक्रिया. So before I start, I wanted to say, first of all, of course, that I'm very honored to be here, and I hope that सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ आकर बहुत सम्मान महसूस हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टोरी से युवा महिला साइंटिस्ट्स को प्रेरणा मिलेगी. अगर आप के पास कुछ जो कुछ करना चाहते हैं उससे जुड़े जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अंदर बस काम करने का जज्बा होना चाहिए. मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं साइंस के क्षेत्र में कैसे आई, कैटलिस्ट ऑफ चेंज कैसे बनी. जब मैं बचपन मेरा छोटी थी तो मुझे याद है शुरू शुरुआत से ही मुझे प्रकृति बहुत पसंद थी और ये बात मेरे पूरे करियर में जारी रही और आज भी ये जज्बा जारी है. मुझे जो भी मौका मिलता है बोटैनिकल गार्डन में जाने का, मैं कोशिश करती हूँ कि उसका फायदा उठाऊं. जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरी दादी मुझे लाइब्रेरी ले जाती थी और वो मुझे साइंस के बारे में पढ़ने को प्रेरित करती थी. फिर हाई स्कूल का टाइम आया, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था मिलेनियल प्रोजेक्ट. उसमें बायोटेक्नोलॉजी की बात थी, स्पेस में ट्रैवल करने की. उसमें हमारे आसपास के जीवन का जिक्र था और उसमें यह भी था कि हम कैसे आहार सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं. मैं सोचने लगी कि क्यों ना अपने करियर में मैं इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द काम करूं. तो जहां मैं थी और जहां जाना चाहती थी वहां तक का रास्ता साफ नहीं था. फ्लोरिडा में हाई स्कूल के दौरान मुझे जो गाइडेंस मिली उससे मुझे बड़ी मदद मिली और वहीं से मेरे साइंस का करियर शुरू हुआ. मैं अमेरिका में MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पढ़ने के लिए पैसा कैसे जुटाऊंगी, तो मैं वहाँ जा नहीं पाई. तो मैं एक छोटी यूनिवर्सिटी में गई लेकिन ये पढ़ाई काफी मुश्किल थी. मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कठिन होगी. मुझे सीखने का एक नया तरीका सीखना पड़ा. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं. फिर मैंने मिलिट्री को ज्वाइन किया. तब अमेरिका की सेना शांतिकालीन काफी काम करती थी. तो मैंने आर्मी रिजर्व को ज्वाइन किया. वहां मुझे कुछ काम ऑफर किए गए थे जैसे कि ट्रक ड्राइवर, चैपमैन्स असिस्टेंट या प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट्स. मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन को चुना
मुझे काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई, एनवायरमेंटल सेफ्टी के बारे में सिखाया गया, मेडिकल एंटोमोलॉजी के बारे में सिखाया गया, एनवायरमेंट की सेहत के बारे में बताया गया। फिर मैं साउथ कोरिया में एक साल तक रही, वहाँ मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन पर काम किया ताकि मैं अमेरिका के सैनिकों को सुरक्षित रख सकूं उन बीमारियों से जो वहाँ मौजूद थी। ये मेरे लिए उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का एक मौका था। जब मैं वहाँ थी मैं उस समय प्रमोशन के लिए योग्य हो गई थी। वहाँ मुझे एक मेल सर्जन से भेंट हुई, उन्होंने मुझे बताया कि एक महिला के तौर पर मुझे इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब पहली बार किसी ने मुझसे कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैं एक मिलिट्री लीडरशिप स्कूल में गई, वहां मैंने उन्हें बताया कि ट्रेनिंग के दौरान मेरी उपलब्धियां काफी ऊंची रही हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उनके मन में मुझे लेकर जो शक था उसने मुझे और प्रेरित किया। जब मैंने सर्विस खत्म की और अपना कॉलेज खत्म किया, पूरा किया, और मैंने साइंस में और अपने आप में जो साइंस में और अपने आप में जो विश्वास मुझे हासिल हुआ, वो मेरे जीवन की दिशा बदलने वाला एक और पॉइंट था। मैं साइंस के क्षेत्र में जाना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने कोई रोल मॉडल नहीं था जिसे मैं एक मिसाल बना सकती थी कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड में दो महिलाएं थीं जिन्हें मुझ में उम्मीद नजर आई। उन्होंने कहा कि आपको ग्रेजुएट स्कूल में नाम लिखाना चाहिए। अगर वो मुझे ठीक से गाइड नहीं करती तो मुझे पता नहीं कि आज मैं कहाँ होती। इसलिए लोगों को अपने जुनून से वाकिफ कराना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने मेरे जीवन को बहुत बड़े ढंग से प्रभावित किया, बड़े रूप में प्रभावित किया। इससे मेरे अंदर का विश्वास बढ़ने लगा। फिर मैं आईओसी यूनिवर्सिटी में गई क्योंकि मैं जेनेटिक्स पढ़ना चाहती थी, और मेरे पति कंप्यूटर साइंस स्टडी करना चाहते थे। मैंने जेनेटिक्स को स्टडी किया। It's got like incredible plasticity, you know, through breeding or biotechnology, you know, this one species can be, you know, 10 feet tall or 3 feet tall and, you know, just produce. कमाल की बात यह है कि कोई प्रजाति बायोटेक्नोलॉजी के जरिए अपना रूप, अपना आकार, अपना कद बदल सकती है। Anyway, what a great thing. ये है ना शानदार बात। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में अपना डॉक्टर प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे पता चल तो मैंने समझा कि मैं जो कॉर्न डेवलप कर रही हूँ उसके मार्केट तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है।
deficiency anemia, where, you know, corn is the basis of their diet, which I'm sure many folks who follow CIMMYT are interested in that type of thing. But I realized that बहुत से लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी. We're going to get to people who needed them. So I started to investigate that. मैंने इस बारे में जांच पड़ताल शुरू की. That in a couple of different ways. First, I started learning as much as I could about policy. What was the regulatory system in the United States? You know, पहली बात तो थी पॉलिसी यानी नीति. How did that work? इसके कमर्शलाइजेशन का क्या तरीका था, इसके बारे में पता लगाना था. फिर मैंने व्यापक इस पर व्यापक तौर पर नजर डालनी शुरू की. मैंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में माइनर की डिग्री ली. मैं लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रॉमिस के बारे में बताना चाहती थी कि उसमें काफी संभावना है. मैंने एक छोटे एनजीओ की भी स्थापना की. Just trying to pull people in and show people that excitement and how amazing plants can be and how biotechnology can help really unlock their potential. मैं लोगों को बताना चाहती थी कि बायोटेक्नोलॉजी में कितनी संभावनाएं हैं, उनसे कैसे हालात बदल सकते हैं. मैं सीखना चाहती थी कि मैं लोगों को बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में कैसे समझाऊं, बताऊं. जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म की, तो मैं फेडरल सर्विस में आई. फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में काम शुरू किया. फिर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पहुंची, जो मुझे बहुत पसंद था. लेकिन बतौर रेगुलेटर आप ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हैं. तो मैं यूएफडीए गई, जहां मैंने अलग भूमिकाएं निभाई. मैंने अलग अलग दिशाओं से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना, पढ़ा, समझा. इससे मुझे US रेगुलेशन और दूसरे देशों की बायो रेगुलेशंस के बारे में भी पता चला. कि कैसे किसान अलग अलग देशों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं इस विभाग के लिए बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर का काम करने लगी थी. इससे मुझे फिर से एक व्यापक नजरिया मिला. The U.S. Department of Agriculture were developing were all based on statutes passed by the Congress, which, as a executive branch employee, I didn't have a lot of influence on or any. America में जो भी कृषि से जुड़े नियम डेवलप किए जा रहे थे, मैं उन पर अपना प्रभाव डाल सकती थी अपने पद के कारण. फिर मैं सोचने लगी कि मैं और इससे आगे कैसे जा सकती हूँ, मैं ज्यादा प्रभाव कैसे डाल सकती हूँ. फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई. इसमें बायो इकोनॉमी की बात थी कि हम बायोलॉजी को कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे लिए दिलचस्प बात यह है ये काम वाकई मौजूद नहीं था.
इससे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे करियर पाथ के दौरान मेरे लिए कोई दिशा थी या नहीं। मैंने जो भी कदम उठाया वो या तो असली रास्ते के इर्द गिर्द था या फिर शायद कभी उस रास्ते पर था भी। और इस रास्ते पे मुझे बहुत से लोग मिले जिनका मेरे जैसा ही जुनून था। मैं कई महिलाओं के समूह से भी मिली जिन्हें साई मॉम कह सकते हैं। मैंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। तो मैं फिर उसी बात पर आऊंगी कि अगर आपके जवाब सवालों के सही जवाब नहीं मिलते हैं तो घबराएं नहीं, ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करें जिनके पास वो जवाब है। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर एनेस्थेसिया बॉटनर, आपने अपने सफर को हमारे साथ शेयर किया जो बहुत ही दिलचस्प था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधा नायर, मैं एक मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट हूँ और मैं सिमिट की टॉप साइंस ग्रुप की एक सदस्य हूँ। मुझे इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के 2 दिन बाद मुझे इसमें वेबिनार में शामिल होते हुए गर्व महसूस हो रहा है। And a genuine appreciation and admiration for her societal commitment to communicate science on many issues around. हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने खेती से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। So, Dr. Bodnar, to start with, Dr. Bodnar, हम शुरुआत करते हैं। एक साइंस कम्युनिकेटर के तौर पर आपका जो रोल रहा उसके बारे में, आपने साइंस को आम समाज तक पहुंचाने के सिलसिले में कैसे काम किया, ये कैसे हुआ, प्लीज बताइए। ये काफी अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि इसका संबंध मिलिट्री से है जहां मैं रही थी। हम वहां कई अलग अलग तरह के काम किया करते थे। हमें पता चला कि हमें वहाँ कई चीजें पता चली, कई जगह सेफ्टी का मुद्दा था। तो मुझे लोगों को ये बताना था कि विज्ञान की क्या खोजें हैं और उनका महत्व क्यों है। साइंस के जरिए हम काफी डिटेल में पहुंच सकते हैं क्योंकि साइंस का काम करने का अपना एक तरीका होता है। किसी नॉन साइंटिस्ट के लिए ये बात इतनी रोमांचक नहीं होगी। Yeah, so in this similar vein, so what would be maybe some of your pointers to ag science? तो आपके लिए साइंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपके क्या पॉइंटर्स होंगे कि आप जीएमओ के आसपास जो क्लटर्स हैं उसको कैसे दूर करें? बायोटेक रेगुलेशंस और जीएम क्रॉप्स के बारे में क्या कहेंगे आप? इस पर काफी लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। मैं जो कहूंगी वो कुछ अनोखा या नया नहीं है। बतौर साइंटिस्ट हम समाज के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लोगों को सिर्फ इसलिए मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए कि मैंने इस क्षेत्र में पीएचडी की है। जो मैं कह रही हूँ उसको उसके पीछे सबूत होने चाहिए। जब मैं रोजमर्रा में साइंस के बारे में लोगों से बात करती हूँ तो मैं उनसे पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करती हूँ। मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करती हूँ, इसकी केयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी अपनी बेटी है
और मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया साफ रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए पर्याप्त पानी और आहार हो। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। व्यापक स्तर पर कम्युनिकेट करने का जहाँ तक सवाल है, ये वाकई एक पेचीदा बात है। That's where the real challenge is, because you don't necessarily know who your audience is. लेकिन बात जब नए लोगों से बात करने की आती है, तब चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी ऑडियंस कौन है। और यहीं पर फंड्स की भूमिका शुरू होती है। It's silly and fun, and so when we would show up to a conference or other event, and you know, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी इवेंट में पहुंचते हैं, तो फिर आप फन की बात करते हैं कि क्या बात साइंस को इतना एक्साइटिंग बनाती है। उसी से आपके निजी संबंध बनते हैं। शायद कुछ गड़बड़ हुई है, शायद कनेक्शन नहीं बन रहा है सुधा जी का। जब तक वो दोबारा कनेक्ट करती हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ये सवाल है कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपको क्या बात अपने काम को लेकर एक्साइट करती है? मैं जिस टीम के साथ काम करती हूँ, वो मुझे बहुत एक्साइट करती है। हम पॉलिसी रोल्स के बारे में, मिलिट्री रोल्स के बारे में बात करते हैं। ये वाकई बहुत रोमांचक है। हम आपस में एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन अगर व्यापक तौर पर देखें, तो मैं बायोलॉजी की ताकत से हमेशा हैरान होती हूँ। मैं बायोलॉजी को लोगों तक एक्सेसिबल बनाती हूँ, ये बात मुझे काफी रोमांचित करती है। डॉक्टर नायर हमसे फिर जुड़ गई हैं। माफ कीजिएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऐसा तब होता है जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल्स होती हैं। ये जीवन का हिस्सा है, हमें इसके हिसाब से ही ढलना होगा। आपके कुछ अमूल्य विचार शायद मैं सुन नहीं पाई। चलिए, मैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से जारी रखती हूँ। आपके रेगुलर जॉब से बाहर एक जो खास चीज है, वो है प्रोजेक्ट, वो उसका नाम है साई मॉम्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ साइंस को क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जरा मुझे आप साई मॉम्स के बारे में बताइए। साइंस मॉम्स के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन सब के विचार एक से हैं। हम साइंटिस्ट या साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, और अब हमारी संतानें हो गई हैं।
जब आप प्रेग्नेंट होती हैं या आपको संतान होती है तो आपको बहुत सारी सूचनाएं मिल रही होती हैं। कई 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 बार इससे डर भी लगता है, हालांकि मैं साइंस से जुड़ी हुई हूँ। ये वाकई काफी डराने वाला समय होता है। हम सब अपनी अलग अलग रिसर्च कर रहे थे कि हम जो कुछ सीख रही थी उससे दूसरी महिलाओं की कैसे मदद की जा सकती है, कैसे उन्हें ज्यादा सुकून दिया जा सकता है, हम बच्चों की परवरिश के बारे में बात करती थी। हमने एक दूसरे को ऑनलाइन पाया और ये समझा कि हम इस बारे में एक साथ मिलकर बात कर सकते हैं। ओके, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। आप एक साइंस के संदर्भ में जेंडर को कैसे देखती हैं, या मॉलिक्यूलर जेनेटिस्ट के रूप में? मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बेहतर है। क्या बायोटेक्नोलॉजी पर आपको महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बेहतर दिखाई देता है, या इसमें कुछ अंतर है? ये अच्छा सवाल है। लीडरशिप रोल्स में महिलाओं और पुरुषों के बीच का संतुलन बेहतर हुआ है। जब मैंने यूएसडी में शुरुआत की थी तो वहां मुझे ज्यादा महिला लीडर्स नजर नहीं आई थी, मैं जहां भी काम करती थी उस जगह पर। लेकिन मैं करियर में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और बहुत सी महिलाएं भी अपने करियर में आगे बढ़ने लगी और वो लीडरशिप पोजीशन में पहुंची, जिससे बैलेंस बेहतर होने लगा। और अब बहुत से ऑफिस खुल गए हैं जहां पे महिलाओं की मेजॉरिटी हो गई है, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमें अभी बहुत काम करना है, और जैसा कि आपने कहा कि ये फील्ड पर भी निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं। वो युवा महिलाओं को प्रमोट कर रही हैं और अगली पीढ़ी के लीडर्स बना रही हैं। मुझे भी यही लगता है कि साइंस में लीडर्स का लैंडस्केप काफी बदल रहा है। महिलाओं साइंस में महिलाओं की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए अच्छी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है। कई देशों में माहौल अलग है। तो ऐसे क्या हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वहाँ इस असंतुलन को दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं? ये काफी मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है इसकी शुरुआत छोटी उम्र से होती है। अगर मेरी बेटी मुझे एक वुमेन साइंटिस्ट के तौर पर रोल मॉडल बनाती है, और उसे और भी अपने फैमिली माहौल में कुछ कमाल के लीडर्स मिलते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे ऐसे रोल मॉडल बचपन में नसीब नहीं थे। तो ऐसे में कोई ऐसा होना चाहिए जो आप जैसा हो, जो आपका लीडर बन सके। इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखता है। मुझे लगता है कि इसकी बड़ी अहमियत है। जी,
जैसे कि आप जानते हैं कि जेंडर को लेकर जो साइंस रिसर्च में जो भी जेंडर रिसर्च हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं ने लीडरशिप रोल्स नहीं लिए। तो साइंस से जुड़ी महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो साइंस में कुछ करना चाहती हैं? महिलाओं को अपने जीवन का रास्ता चुनने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या सलाह देंगी कि शुरुआती करियर में वो क्या करें, वो किसे अपनी मिसाल बनाएं, कैसे उस उच्च पद तक पहुंचने की कोशिश करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा कहना है कि हर किसी का जीवन का रास्ता अलग होता है। मैंने अपने कुछ साथियों को देखा है जिनके बच्चे जल्दी हो गए थे और फिर वो दोबारा से वर्कफोर्स में शामिल हो गए, लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे जिनकी संतानें बाद में हुई थी। मैंने ये चुना कि बच्चे जीवन में आगे हों, शुरुआती उम्र में नहीं। They are coming in a little bit older. Their degree was a few years ago. And they're competing with, you know, younger people who are willing to take less pay. मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं जो अपनी उम्र के बड़ी उम्र में करती हैं, उन बड़ी उम्र में डिग्री वगैरह की पढ़ाई करती हैं, उनके लिए अपने युवा कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। I will say that I am very thankful for my own. मैं कहूंगी कि मैं बहुत शुक्रगुजार थी अपने करियर पाथ को लेकर। मैंने वर्कफोर्स को करीब एक साल के लिए छोड़ा था जब मेरी बेटी छोटी थी। मैं खुश हूं कि मैं ऐसा कर पाई, उस वक्त हमारे परिवार के लिए ये बहुत जरूरी था, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि क्या मैं उसी बाकी लोगों जितने ही लेवल पर पहुंच पाऊंगी जिनके साथ मैं पहले काम कर रही थी। अमेरिकी सरकार की वजह से मैं उसी जगह पर पहुंच पाई। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी एक मुद्दा हो सकता है। मेरी जिंदगी का सफर भी काफी कुछ आपके साथ ही, आपके जैसा ही रहा है। मेरी बेटी भी थोड़े बड़ी उम्र में हुई, मैंने छुट्टी ले ली थी, मुझे लोगों की सपोर्ट मिली, मुझे उन लोगों ने अप्रिशिएट किया जिन्होंने मेरी क्षमता को समझा, इससे मुझे मदद मिली और इस मेरे इस फैसले से मेरे करियर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, आप इस मामले में बहुत लकी हैं कि वापस आ पाई। जी, मैंने कुछ सरकारों को देखा है भारत में, हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है जिनमें महिलाओं के लिए स्कीम्स हैं जो करियर में ब्रेक लेना चाहती हैं। ये एक्सेप्शनल बात है। उन्हें प्रोजेक्ट देना कि ताकि वो एस्टैब्लिश लैब्स में काम कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजंस हैं जो
युवा महिलाओं को ये लचीलापन देते हैं कि वो अपने परिवार और अपने जॉब को देख सकें। आप अपने लिए किस तरह की सपोर्ट्स को कल्टीवेट करना चाहते हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अकेली कर सकते हैं, परिवार के साथ नहीं? ये जवाब थोड़ा मुश्किल है। आपको हर हफ्ते कुछ एक घंटे ही मिलते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो आपके काम से अलग हो। मैं अपना ज्यादातर खाली समय अपनी बेटी के साथ बिताती हूँ और मुझे इस काम में बड़ा करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। हम एडवेंचर्स पर जाते हैं, हाइकिंग पर जाते हैं, इससे जीवन में इंटरेस्ट बना रहता है। मुझे लगता है कि बेटियां बहुत अच्छी सहेलियां होती हैं। मुझे बाहर जाना, आउटसाइड जाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाहर निकलती हूँ, नेचर को एंजॉय करती हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने खाली समय को, ज्यादातर खाली समय मुझे वीकेंड्स पर ही मिलता है, तब मैं अपने घर को ठीक ठाक करती हूँ। और मैं अपनी बेटी और अपने पति के साथ भी समय बिताती हूँ। मैं पॉडकास्ट को भी सुनती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक अच्छी लिसनर हूँ, मैं बड़ी लगन से ये काम करती हूँ, तो मुझे ये काम पसंद है। मैंने पिछले 10 साल में कभी छुट्टी नहीं ली और पिछले 2 साल में हमने ये तय किया है कि अब हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, हमें वेकेशंस पर जाना चाहिए। इससे हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर आप साइंस में अपने करियर को रीकैप करें तो ये बताएं कि आपको कौन सी सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी मिली जिनसे आपको सबसे ज्यादा संतोष मिला हो। ये सवाल काफी अच्छा है। जब मैं US में एक रेगुलर एजेंसी में थी, तो हम बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के एक नए तरीकों को ढूंढ रहे थे, एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश की। मुझे इस काम से बड़ी उपलब्धि का आभास हुआ और ये थी एक एक टीम एफर्ट। हम लोग मिलकर काम करते थे, आपस में आइडियाज को शेयर करते थे, और इससे हमें बड़ा संतोष मिलता था कि हमारे प्रयासों से एक लक्ष्य हासिल होता था। मुझे लगता है कि अब और समय नहीं है, आपके साथ बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई, और लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि अब हमें ऑडियंस के सवालों को भी आपके सामने लाना होगा। आपकी ये यात्रा बहुत ही
खूबसूरत रही। अब इजाबेल आप सवाल पूछिए। अनस्टेशिया और सुधा नायर इस कमाल की बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम ऑडियंस के सवाल सामने रखेंगे। आप अपने हाथ उठाइए या फिर आप स्लाइडो के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमें अभी कई सवाल मिले हैं स्लाइडो से भी। Probably you get a lot of attacks. How do you manage being attacked for your work? Yeah. That's a good question. आपका ये सवाल काफी अच्छा है। जब मैं सरकार में पॉलिसी के क्षेत्र में और ज्यादा इन्वॉल्व हुई, लेकिन जब मैं साइंस कम्युनिटी के तौर पर सक्रिय रूप से काम कर रही थी, लॉगिंग करती थी, ट्वीटिंग करती थी, तब मुझ पर काफी हमले होते थे। लेकिन मैंने उनसे सबक लिए। कुछ लोगों के सवाल सही भी होते थे, उनकी चिंताएं भी जायज होती थी, लेकिन कई बार लोग बड़े गलत इरादों के साथ सवाल पूछते हैं, तो आपको उन्हें भूलना होता है। एक और सवाल है, आप सुपरवाइजर्स को क्या सलाह देंगी जिनके नीचे युवा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं? नई पीढ़ी को नर्चर करने के लिए वो क्या कर सकती हैं? अगर आपको किसी टॉक के लिए इनवाइट किया जाता है या आप कोई पेपर लिखते हैं, और आपको लगता है कि कोई यंग पर्सन ऐसा कर सकता है, तो उन्हें ये मौका दीजिए। ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है कि मौका आपको दिया जाए किसी टॉक के लिए, लेकिन आप किसी और को ये मौका दें। ये बहुत कमाल की बात है। शुक्रिया। एक और सवाल है, आपको अपने फील्ड में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आप उनका हल कैसे निकालती हैं? Not seeing like immediately where I could go in my passion for science. I think that was definitely a challenge. I'm sure it would have been easier if I had. जब मैं साइंस में के क्षेत्र में गई तो मेरे लिए एक चुनौती थी, और अगर साइंस के फील्ड में और महिलाएं होती, रोल मॉडल होती, तो मेरे लिए ये काम आसान हो जाता। लेकिन इस चुनौती का सामना मैंने अपनी दिलचस्पी को इस क्षेत्र में जारी रखकर किया। मेरा ये जुनून बायोलॉजी की ताकत से कायम रहा और मैं आगे बढ़ती गई। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है, आप अपने करियर पर अगर नजर डालें तो क्या आप कुछ ऐसी चीजें पाती हैं कि आप उन्हें अलग तरह से करती, और आप भविष्य के लिए उनसे क्या दिशा लेती हैं? मैं शायद कुछ भी अलग तरह से नहीं कर पाती। हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ती तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने फैसलों में ज्यादा परिवर्तन करूंगी अगर मैं अतीत में लौटूं तो। आप भविष्य के बारे में पूछ रही थी ना,
भविष्य को लेकर फिलहाल आपकी क्या उम्मीदें हैं? भविष्य के लिए उम्मीदें? मुझे अभी नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरा अगला जॉब शायद वो होगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये बात थोड़ा डराती भी है। एक्साइटिंग। अब अगला सवाल पूछते हैं। आप विमेन लीडर्स को आगे लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या चेंजेस चाहेंगी? कौन सी बातें हो सकती हैं जो इस क्षेत्र में मददगार साबित हों? मैंने यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया है और मैं कहना चाहूंगी कि वहाँ ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे ज्यादा महिलाओं को हायर किया जा सका कर सके। महिलाओं को हायर करते वक्त बायस ना दिमाग में रखा जाए। पर मुझे लगता है कि और कुछ करने के लिए काफी अवसर मौजूद हैं। युवा महिलाओं को पता होना चाहिए कि करियर के मामले में उनके पास क्या मौके हैं। अगर आप करियर के बारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे नहीं तो आप उन पर आगे नहीं बढ़ सकते, उनका लाभ नहीं उठा सकते। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की सरकार इस बारे में और सुधार कर सकती है, नए एप्लीकेंट्स के लिए अवसर बराबर के दिए जाएं। शुक्रिया। एक और सवाल आ रहा है। क्या आपको लगता है कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को कोविड से असर पड़ा है? हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन एक उम्मीद की किरण यह है कि हमें वर्क प्लेस को लेकर बहुत लचीलापन मिला। हम घर से काम कर सकते थे। जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ था, फ्लू हुआ था या बुखार हुआ था, वो भी घर पर रहकर काम कर सकते थे। इससे लोगों का एटीट्यूड बदला, इससे सबको फायदा हुआ, लेकिन महिलाओं को तो खास तौर पर फायदा हुआ, जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल भी कर सकती थी, अपनी भी देखभाल कर सकती थी घर पर रहकर। तो वर्क फोर्स को लेकर समझ बेहतर हुई है। निजी तौर पर मुझे फायदा हुआ क्योंकि उस वक्त मेरे पति का काम बहुत ही फ्लेक्सिबल था। उन्हें टीचिंग करनी होती थी, वो ये सब कर पाए क्योंकि हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी उस दौर में मिली। मुझे बेशक लोग अब फिर से काम की तरफ लौटने लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग काम घर से कर रहे हैं। मैं जिस तरह का काम करती हूँ वो बहुत जरूरी है, उसके लिए ऑफिस में होना काफी जरूरी है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन को गंवाएंगे नहीं, ताकि लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। आपको पूरी दुनिया के महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला। आपने दूसरे देशों की महिला साथियों से क्या सीखा? मैंने बिल्कुल सीखा।
something that's that is interesting, or you know, it's just it feels good to know, is that no matter where we are, even despite big cultural, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं. बेशक हमारे बीच कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारी चुनौतियां सबकी एक सी हैं. हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी देश से हों. मुझे कुछ महिलाओं को इंटरनेशनल तौर पर मिलने का मौका मिला. जिनके अंदर कमाल की पॉजिटिविटी थी, जुनून था. हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपस में विचार शेयर करते थे और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, ताकत मिली. तब मुझे लगा कि हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं. टीम वर्क बहुत अहम होता है. आप अपने रोज की जीवन में जो काम करते हैं, क्या उससे आपके आसपास के साइंटिस्ट डिसअपॉइंट होते हैं? कुछ मायने में ये एक बड़ी चीज है. ऑफिस में कुछ बड़ी चीजें भी होती हैं और कुछ छोटी चीजें भी होती हैं. मैं आपको एक बात बताती हूँ. हम ये सोच रहे थे डिसाइड करने फैसला करना था कि क्या हमें बिजनेस कार्ड पर PhD लिखना चाहिए. तो मैंने कहा कि हाँ, हमें अपने बिजनेस कार्ड पर PhD लिखना चाहिए जिन्होंने PhD डिग्री ली है, क्योंकि इससे साइंस से जुड़ी महिलाओं का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हमने इसे हासिल किया है. हम इसे प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारे साथियों को भी लगता है कि हाँ, हमारे बीच महिला डॉक्टर हैं. ऑफिस में ये भी विचार था कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि कार्ड पर PhD लिखा जाए. कुछ का कहना था कि नहीं, हमें इसे नहीं लिखना चाहिए, पर मुझे लगता था कि इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, हालात बदलेंगे. मैं जब किसी मीटिंग में होती हूँ तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती हूँ कि हर किसी को बोलने का मौका मिले. सबका सीखने का स्टाइल अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, तो सबको मौका मिलना चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने का. लेकिन दूसरों को शाइन करने की स्पेस देना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया एनास्टेशिया, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई. अब हम क्लोज करना चाहेंगे. आपने हमारे साथ अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना समय दिया. थैंक यू. मैं भी बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आपसे बात हुई, मैं अपने विचार आपके सामने रख सकी. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पायर करने के लिए. हम ऑडियंस का भी शुक्रिया करना चाहेंगे. अब हमारा अगला वेबिनार होगा 27 फरवरी को. बहुत बहुत शुक्रिया. दो दशक से भी अधिक समय से बोरलॉग डायलॉग एक ऐसा मंच रहा है जहां से ग्लोबल चिंताओं को संबोधित किया जाता रहा है. आवाजें बुलंद हुई हैं और समाधान निकले हैं. 2009 की बसंत में मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन रूम में थी, अमेरिका के विदेश विभाग में, जब विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने बताया उन सिद्धांतों के बारे में जिन्हें ओबामा प्रशासन की फीड द फ्यूचर पहल को आकार दिया था. बीते वर्षों के दौरान लॉरेंस अनाउंसमेंट को
5 अमेरिकी विदेश मंत्री होस्ट कर चुके हैं। इसी साल 2009 के बोरलॉग डायलॉग में जब बिल गेट्स ने अपनी अरबों डॉलर की ग्लोबल पहल को लॉन्च किया था ताकि गरीबी को खत्म किया जा सके, डॉक्टर बोरलॉग के निधन के सिर्फ एक महीने बाद 1300 से अधिक वैज्ञानिक, विद्वान, विद्यार्थी और फूड सिक्योरिटी चैंपियंस एक साथ आ रहे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, वर्ल्ड फूड प्राइस के संस्थापक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के शब्दों को अपना सकें, सच बना सकें कि फूड यानी आहार इस दुनिया में पैदा होने वाले सब लोगों का अधिकार है। कैटलिस्ट ऑफ चेंज के हमारे अगले सेमिनार को प्लीज ज्वाइन कीजिए 27 फरवरी को।